जय महाकाल। बच्चों, इस वीडियो में मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला हूँ कि लाइफ में ना स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और अभी तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई की प्रिपरेशन अपने आप में एक स्किल होती है जो बहुत कुछ सिखाती है आपको। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट PCM। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही सीखते हो, आप बहुत कुछ और भी सीखते हो। जेई में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत टाइप के प्रेशर को आप हैंडल करते हो, बहुत पीछे होते हो फिर भी आगे आने की कोशिश करते हो और आते हो एक्चुअली फाइट मार के धीरे धीरे करके। तो बहुत कुछ है जो जेई आपको सिखाता है। ये चीज़ आप सीख गए ना तो और आगे चलो सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है मैटर नहीं करता, आपने अच्छी कोशिश किया तो नेचुरली लाइफ में अच्छा कर जाओगे। पर मान लो और IIT में चले गए तो और उसमें 4 चांद लग जाते हैं आपके स्किल्स के अंदर, वहाँ आप और इम्प्रूव कर जाते हो। तो स्किल्स है ना तो लाइफ में कुछ भी आप अच्छा कर ही जाओगे। लाइक अगर चलो पुराने में तुम्हें एग्जांपल दूँ तो महाभारत काल में ना जैसे ये थे अर्जुन पांडव लोग जो थे, इनके पास स्किल्स थी तो कॉन्फिडेंस था इन्हें। दुर्योधन जो था उसके पास नहीं थी, थोड़ा कहीं ना कहीं ना उसे इनसे जलन होती ही थी जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। उसे दिखता था कहीं ना कहीं कि ये लोग ज़्यादा पावरफुल हैं एंड थोड़ा डरता ही था, थोड़ा जलता ही था उनसे। या अभी जैसे एक वो मूवी आई थी ना बाहुबली, उसमें क्या नाम था उसका, भल्लाल देव, वो सोचो राजा बन गया था, इसे निकलवा दिया था बाहर बाहुबली को, और इसे मतलब अपने देश से गांव में चला गया था, मतलब महल से बाहर निकलवा दिया था, फिर भी नहीं इसके अंदर सुकून नहीं था। और उधर वो जो बाहुबली था वो गांव में रह के मेहनत करके भी एकदम खुश था, लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती थी उसके पास आते थे, उनको सॉल्यूशन भी निकालता था। तो यार उसके भल्लाल देव के बाप ने कहा था एक बार कि ये जहाँ भी रहेगा ना राजा बन के ही रहेगा। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम्हारे अंदर अगर स्किल्स हैं ना, तुम भले ही कैसे भी कंडीशंस में हो, इट्स नॉट अबाउट से मनी एंड पावर, वो मैटर नहीं करता। जैसे अगर दोनों ही एग्जांपल दिए मैंने तुम्हें, दुर्योधन का ले लो चाहे वो बाहुबली में, वो भल्लाल देव का ले लो, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल वैसे हैं जिनके पास मनी और पावर की कोई कमी नहीं थी, स्टिल दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें किसी से जलन थी, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये सामने वाला ना ज़्यादा दमदार है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में खुशी नहीं थी एक्चुअली। तो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं ना तो तुम कभी भी खुश रहोगे। मुझे जैसे अभी अपने बैचमेट्स में बहुत अच्छी चीज़ लगती है, मैं अपने बैचमेट्स को ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वो लोग यार मतलब समझ लो सबके सब मतलब एक अलग ही लीग में, मतलब क्या बोलूँ मैं, भले बात सुनो पैसे की है उसकी है नहीं, कोई बहुत अच्छा कर रहा है कोई शायद नहीं कर रहा है, कोई एकदम नॉर्मल है, बट स्टिल यार लोगों का जो नेचर है ना वो एकदम अलग ही लीग का है, क्लास ही अलग है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब हर बंदे के लिए ना एक रेस्पेक्ट अलग से ही आता है, वो मतलब उसके नेचर की वजह से आता है। इट्स नॉट लाइक कि अच्छा नहीं ये बंदा बहुत रिच है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटीज़ अच्छी हैं यार उनके अंदर, बहुत तगड़ी क्वालिटीज़ है, दैट्स वाई आई रेस्पेक्ट देम बेसिकली। तो तुम अगर एक अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो लाइफ में कभी भी खुश रहोगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अच्छे से अपनी स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान दो, जेई प्रिपरेशन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, अच्छे से सीखो इससे, टाइम पास मत करो इससे। इसमें जैसे क्या होता है ना, कई बच्चे थोड़ा तो भटकते हैं अपने रास्ते से, टाइम पास बहुत करते हैं, उल्टे सीधे काम बहुत करते हैं, मत करो ना दोनों, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन रखो। ये इस एज में बहुत बड़ी बात होती है, अगर तुम इस एज में पढ़ जाओगे तो आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा उसका, तुम सोच नहीं सकते इतना गुना फ़ायदा मिलता है आगे की मेहनत उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी तुम्हें जितना गुना ये फ़ायदा देगी ना तुम्हें इस एज की जो मेहनत है ना तुम्हारी अभी, ये तो तुम 16, 17, 18 की एज में जो करते हो ये जेई प्रिपरेशन के अंदर, ये तुम्हें जितना ऊँचा उठाएगी ना लाइफ में उतना कोई चीज़ तुम्हें शायद इतनी आसानी से ऊँचा ना उठा पाए। हैंस बहुत खुशी से बहुत प्राउडली अच्छे से मेहनत करो तो लाइफ में अच्छा कर जाओगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा था मैं। जय महाकाल।